आज मैंने बनाया है इस डोरमैट को बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने साड़ी में से बनाया है, मेरे पास साड़ी थी रंगीन, तो इस तरीके से मैंने ये बनाया है। आप चाहे तो ऊन से, ब्लाउज से, किसी से भी बना सकते हैं। जो साड़ी में ब्लाउज पीस आते हैं उनसे भी बना सकते हैं, और ऊन से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं। बट ये मैंने साड़ी से बनाकर तैयार किया है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने ये न्यू डिजाइन का डोरमैट बनाया है। इसकी वीडियो मेरी बन गई है, रमा चौहान के चैनल पे डली हुई है। तो अब हम इसे कैसे बड़ा करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हमने देखो ये कलर लिए हुए हैं, दो कलर से ही बनाएंगे क्योंकि दो कलर का ही ये वाला डोरमैट है। तो देखिए उसके लिए हमने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डाले हैं, और 14 फंदों को हम अब एक रो मैंने लगा ली है फंदे डालकर। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए अब यहां से एक और दो, दो फंदे बनाएंगे। इस तरीके से मैंने ये दो फंदे बना लिए। यहीं से अपने धागे को मोड़ लेंगे। यहीं से देखो ये मैंने फिर से दो फंदे बनाए, एक, और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा ही लेंगे ऐसे, ये दो। फिर से फंदा उतारेंगे, शुरुआत से बता रही हूँ मैं आपको, और इस वाले फंदे को बनाएंगे और फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। ये मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। अब यहाँ से तीन फंदे बनाएंगे, एक, दो, और ये लास्ट वाला फंदा सीधा, देखिए ये वाला इस तरीके से बन गया। अब फिर से हम इस वाले कलर से ऐसे ऐसे पकड़ेंगे उंगली से, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से पकड़ेंगे और इस वाले कलर से बनाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, एक फंदा हम इसमें से लेंगे। फिर से ये वाले चार फंदे बनाएंगे, इस वाले फंदे को हम सीधा लेंगे, कलर लगाएंगे तो इसे बनाएंगे, कलर नहीं लगाएंगे तो सीधा लेंगे। अब यहां से उतारेंगे और इससे बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए चार फंदे बना लिए, एक फंदा फिर से इसमें से लेंगे और फिर से बनाएंगे। ऐसे और ऐसे, देखिए अब फिर से हम इस वाले कलर को उंगलियों में पकड़ेंगे और इस वाले कलर से बनाएंगे, दो, तीन, चार, और ये पांच, एक फंदा हम इस वाले कलर में से लेंगे, छह, यानी एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे, इस तरीके से कलर चेंज करते हुए बनाते जाएंगे। आप इस तरीके से भी कली बना सकते हैं इसके लिए, और एक फंदा डालकर ही एक फंदा डाल ले सिलाई में और फिर से बनाना शुरू कर दे। मैं उस कली को भी आपको बताऊंगी, पहले इसको बता दूं, तो थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखा। तो देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है, देखो अब मैं आपको एक बार फिर से बनाकर दिखा रही हूँ। इस वाले कलर को हम ऐसे पकड़ लेंगे और इससे बनाना शुरू करेंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे सभी फंदों को इसी तरीके से। अब क्या करेंगे, देखो ये तीन फंदे हैं हमारे, एक, दो, तीन, इसमें से हम एक फंदा लेंगे, यहीं से अपने धागे को मोड़ लेंगे यानी क्रॉस कर लेंगे। अब यहां से फिर से बनाएंगे, अब की बार में एक फंदा और बनाएंगे। देखिए
हम जैसा कलर के फंदे डालेंगे वही कलर हमारे यहाँ पे बीच में आना चाहिए। और यहीं से अपने फंदों को मैं गठाना बताऊंगी आपको। देखिए एक फंदा और बढ़ाएंगे, बस धागा उतारेंगे और बनाएंगे। बहुत आसानी से ये वाली भी कली बनके तैयार हो जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। आप साड़ी से बनाना चाहते हैं तो साड़ी से बना सकते हैं, अगर ब्लाउज पीसों से बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा, दुपट्टों से बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगी। एक फंदा फिर से इसमें से बढ़ाएंगे और यहीं से धागे को क्रॉस कर लेंगे। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलना चाहिए आपको मेरी ये न्यू वीडियो कैसी लगी। और देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, धागा सीधा लेंगे, ये वाला फंदा सीधा लेंगे और इस तरीके से। अब देखिए अब हम इस वाले कलर को ऐसे पकड़ेंगे और जितने फंदा बढ़ाना अब हम छोड़ देंगे यहाँ से, इस तरीके से इसे हम ऐसे बनाएंगे। लास्ट में जा करके जैसे हमने एक एक करके फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही हम एक एक करके फंदों को गठाएंगे, यानी छोड़ देंगे, गठाएंगे नहीं सॉरी छोड़ देंगे। देखिए एक इस वाले कलर के मैंने ये दो फंदे छोड़ दिए हैं, तो यहीं से धागे को क्रॉस करेंगे। अब हम सभी फंदों को इसी तरीके से कलर चेंज करते हुए छोड़ते जाएंगे और अपने इस कलर के दो दो करके धागे छोड़ते जाएंगे, यानी फंदे। देखो इस वाले कलर के मैंने दो फंदे छोड़े हैं, फिर रेड कलर के दो फंदे छोड़ेंगे, फिर क्रीम कलर के दो फंदे छोड़ेंगे, इसी फिर रेड कलर के। इसी तरीके से हम अपनी पूरी कली बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए अब हमारा ये रेड कलर है तो यहाँ से ये वाला कलर लगाएंगे। देखिए मैंने ये एक दो दो फंदे एक एक कलर के छोड़ दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। फिर से धागे को पलट लेंगे और इसे रेड को फिर से बनाएंगे। देखो इस तरीके से इस वाले फंदे को हम सीधा ही लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो ये मेरी पूरी कली बनके कंप्लीट है, तो यहाँ से पहला फंदा उतारेंगे और एक रो इधर की साइड से लगाएंगे, एक सीधी तरफ से लगाएंगे अंटा लगाते हुए ऐसे, क्योंकि अब हमें व्हाइट कलर से ही बनाना है, रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। सभी फंदों को इधर की साइड से ऐसे बना लेंगे। तो एक रो इधर की साइड से और एक रो इधर की साइड से मैं दोनों तरफ से बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाली रो बना ली है, सीधा फंदा लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो ऐसे बनाया है मैंने अपनी कली को। अब यहाँ से डबल फंदा लेंगे इस तरीके से और एक फंदा कम कर देंगे, फिर से डबल लेंगे और फिर से फंदा कम कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें अपने सारे फंदे को कम करना है, जैसे हम देखो इसी तरीके से सभी फंदों को कम करते जाएंगे। तो इसी तरीके से सभी फंदों को कम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सभी फंदों को कम कर दिया है यहाँ से, देखो अब क्या करेंगे, धागे को कट कर देंगे। तो देखिए धागे को कट कर देते हैं पहले इस तरीके से और इसमें नॉट लगा देते हैं। तो एक कली हमारी बनके कंप्लीट है, मैं आपको दिखा देती हूँ इस कली को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखो ऐसे इस तरीके से इसमें लगाएंगे, एकदम गोल डोरमेट हो जाएगा हमारा ये कलियों वाला। तो चाहे तो इस तरीके से आप छह कली
एक कलर के भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो कलर, जैसे मैंने इसमें चार कलरों का इस्तेमाल किया है, वैसे आप चार कलर भी लगा सकते हैं। तो पहले बना लेते हैं छह कलियां, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छह, छह कली मैंने बना ली है। एक कली एक तरीके से मैं आपको और बनाकर दिखा रही हूँ। देखो, ये वाली कली भी मैंने बनाई है। देखो, यहाँ से मैंने एक नोट लगाई थी और दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए इस तरीके से बढ़ाएंगे, सिलाई के ऊपर से धागे को डालेंगे, एक नोट लगाकर सिर्फ ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। और इधर की साइड से भी इसी तरीके से बनाना है हमें। आप चाहे दो तरीकों से भी बना सकते हैं और एक तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये वाली कली बनाकर दिखाई थी, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ऐसे भी बनाना। तो आप दोनों में से एक तरह की कलियां बना लें और इस तरीके से अपने डोरमैट को गोल कर लें। जो आंख वाला डोरमैट है ना, आई वाला, उसे मैंने इसी तरीके से गोल करना है। और देखिए, ये देखिए, अब इधर की साइड से भी हम अपना फंदा बढ़ाकर दिखाती हूँ। देखो, दोनों तरफ से ऐसे ही बढ़ाकर दिखाऊंगी, बना लेंगे और अपनी पूरी कली को इसी तरीके से बनाना है और इस तरीके से यहाँ पे अटैच करना है। जितनी बड़ी आपकी ये कली, देखो 20 फंदों की भी बन सकती है। देखो, इसमें मेरे 15 फंदे हो गए हैं, 20 फंदे की भी इसी तरीके से आप बनाकर लगा सकती हैं। तो मैं इस वाली को नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये छह कलियाँ बनाकर रख ली हैं। इस तरीके से हमने इसमें लगाना है, देखो, और सिलनी है छह कलियां, इसी तरीके से सिलेंगे। और देखो कितनी सुंदर लगेंगी ये सिलने के बाद में। तो देखिए, इस तरीके से अपनी कलियों को हम सेट करेंगे। तो ये मैंने सीधी तरफ से सेट की है, अब मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से देखो, मैंने ये पूरे डोरमैट की सिलाई कर ली है। आपको देखो, इसी तरीके से सिलेंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए, नॉट लगा देते हैं साथ ही साथ, इस तरीके से धागे को कट कर देते हैं। ऐसे ही अपने पूरे डोरमैट की सिलाई करी है मैंने। तो मैं आपको सीधे सीधा करके दिखाती हूँ। ये उल्टी तरफ से सिला है मैंने, अपना डोरमैट सदा उल्टी तरफ से सिलते हैं। तो इसे मैं सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर ये डोरमैट बनके तैयार हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा डोरमैट सिल के बनके पूरी तरह से तैयार है। देखो, पूरी तरह से बनके तैयार है।